उसको तो सामने ट्रक रहा था, उसी चक्कर में गाड़ी स्किड कर गया और मैं और पापा मेरे दोनों गिरे, और जिसके गिरने के पीछे पीछे ट्रैक्टर आया था, ट्रैक्टर का पहिया चढ़ा गया। तो इनका नाम क्या था? केशव प्रसाद। क्या करते थे ये? रिटायर में जॉब करते थे हरियाणा जॉब में। वहाँ से एक ब्रॉड डी आए थे, एक्सीडेंट था, लेकिन वो जब लाए तो मरीज यहाँ पे देहांत हो चुका था, तो जो भी कार्रवाई हो चुकी है मैंने करके उसे मैं। क्या नाम था उनका? उनका नाम था केशव प्रसाद सिंह। गोल लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। नेशनल हाईवे 920 को भइल हादसा, सड़क दुर्घटना में अधेर के कहानी भइल खत्म। बाइक से बक्सर जाए के क्रम में ट्रैक्टर ठोकलस, हॉस्पिटल पहुँचे से पहले ही जान चली गई। खबर का बटुए सब बताई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखतनी तो फॉलो कर ली, ताकि सबसे पहले खबर के नोटिफिकेशन रौरा मिलत रहे। बक्सर जिला के खैराटी गांव के भीड़ सड़क दुर्घटना में वो अधेड़ के जान चली गई। बेटा के साथ बाइक पे सवार होके बक्सर खाती घर से निकल रहे लोग नेशनल हाईवे 922 को अनियंत्रित ट्रैक्टर के द्वारा पीछे से टक्कर मार दी हो गई, जौना से बाइक सवार दोनों जना सड़क पे गिर के घाही हो गए लोग। स्थानीय लोग के द्वारा सबके आनंद फानंद में बक्सर सदर अस्पताल पहुँचावल गई, जहाँ अधेर के डॉक्टर मुअल घोषित कर दिले। सूचना पे पहुँचल थाना के पुलिस मुअल देह के कब्जा में लेके पोस्टमार्टम खातिर भेज दिल। जानकारी के अनुसार घटना औद्योगिक थाना के हटुए। बीएफए के खैराटी गांव के निवासी केशव प्रसाद 60 बरिस अपन बेटा प्रदीप कुमार के साथ बाइक पर सवार होके बक्सर जिला मुख्यालय कोनो काम से जात रहन, तबे घर के कुछ दूरी पे ही ट्रैक्टर के द्वारा टक्कर मार दिहल गई, जौना से सड़क पे गिर गए, दोनों जना घाही हो गए। स्थानीय लोग के द्वारा दोनों जना के सदर अस्पताल पहुँचावल गई, जहाँ बेटा के मामूली चोट के कारण बिल्कुल ठीक बने तो वही केशव प्रसाद के डॉक्टर मुअल घोषित कर दिल। सदर अस्पताल के डॉक्टर निशांत कुमार बतैनी कि सड़क दुर्घटना में घायल एगो अधेड़ उम्र के व्यक्ति इलाज खातिर आई रहन, लेकिन उनकर मौत अस्पताल आवे से पहले ही हो चुकल रहे। यहाँ कहनी कि कागजी कार्रवाई पूरा कैला के बाद मुअल देह के परिजन के सौंप दिहल गए। औद्योगिक थानेदार मुकेश कुमार के द्वारा बतावल गई कि घटना के सूचना पे पुलिस मौका पे पहुंचल, मुअल देह के कब्जा में लेके पोस्टमार्टम खातिर भेज दिया गई, साथे साथ परिजन से आवेदन मिलला के बाद आगे के कार्रवाई कई जाए। आज जिला में लगभग 40% गाड़ी के स्टेरिंग 18 बरिस से कम उम्र के लोग के बाद इस सच्चाई बटुए अगर धरातल पर जाँच कर जाए तो यह निकली। स्टेरिंग के कोनो ट्रेनिंग नहीं थे, अब फर्राटेदार गाड़ी चलावता लोग, चाहे वो टेम्पू हो खो चाहे ट्रैक्टर हो खो। अनुभव के कमी बटुए जरा दिन आए दिन कहीं ना कहीं हाईवे पे हादसा होत रहत पड़ुए। एकरा से अगर बचे के बटुए तो नाबालिकन पे पहले रोक लगावे के पड़ी, जम के जांच अभियान चलावे के पड़ी, तब जाके हाईवे पे हादसा रुक सकेला, नहीं तो आए दिन ऐसे ही घटना दुर्घटना होत रही। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी, ताकि भोजपुरी या भोजपुरिया समाचार के धमक देश ना विदेश तक पहुँचत रहे। सुनी बयान शेयर करी, धन्यवाद। कहाँ से आ रहे थे? जी मैं अपने घर से निकल रहा था बक्सर के लिए, जी तो एक ट्रैक्टर वाला आगे आ रहा था, पिछले रास्ते बिजली वाला तो वहाँ पर मैं गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सामने ट्रैक्टर आया था, उसी चक्कर में गाड़ी स्किड कर गया और मैं पापा मेरे दोनों गिरे, और जिसके गिरने के पीछे पीछे ट्रैक्टर आया था, ट्रैक्टर का पहिया चढ़ा गया। तो इनका नाम क्या था? केशव प्रसाद। क्या करते थे ये? रिटायर में जॉब करते थे हरियाणा जॉब। क्या आपका नाम हुआ? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बलबीर। क्या लगता है इनका? मैंने कब बेटा एफ आई आर वगैरह हो गया? मैं भी कराना है। रोड एक्सीडेंट का मामला आया, क्या है पूरा मामला? अभी एक खैराटी कोई जगह है, यहाँ वहाँ से एक ब्रॉड डी आए थे, एक्सीडेंट था, लेकिन वो जब लाए तो मरीज यहाँ पे देहांत हो चुका था,
तो जो भी कार्रवाई हो सकती है मैंने करके उसे मैं हासिल। क्या नाम था उनका? उनका नाम था केशव प्रसाद सिंह।